So hello and welcome people, this is your anchor Ranjana Esra and you guys are watching me Starlet Entertainment and I'm back here again with another interesting update from the world of television. खबर है इस बार सुंबुल तौकीर खान को लेके जो कि काव्या में एक जज्बा एक जुनून जो कि सोनी टीवी का शो है, काफी न्यूली लॉन्च शो है और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है अभी सुंबुल तौकीर खान की तरफ से अभी उसमें ही नजर आ रही है हमें। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही के मीडिया इंटरेक्शन में जहां सुंबुल से पूछा गया उनकी लाइफ लर्निंग्स के बारे में, जो वहां पे काव्या और अपनी खुद की रियल लाइफ से बताते हुए जवाब दी कि आखिर क्या कुछ अभी उनको सीखने को मिल रहा है काव्या से और अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए, तो उनका रिस्पांस आया कुछ इस तरह से कि जो काव्या है उसका जो नेचर है जिस हिसाब से वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और मेरे रियल लाइफ में भी जो चीज़ें होती हैं इन दोनों से एक ही चीज़ मेरे को सीखने को मिलती है कि चैलेंजेस को कैसे अपफ्रंट होके एकदम कन्फ्रंट करना चाहिए अपनी चीज़ों को, और दीज आर द ओनली टाइम्स जहाँ पे एक इंसान को पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किन चीज़ों पे उसे काम करना चाहिए। और ऐसे कुछ रिस्पॉन्स के साथ ही सुंबुल तौकीर खान जो कि कभी भी अपने फैंस को खुश करने से पीछे नहीं हटती हैं और हमेशा ही उनको खुश करती हैं, तो ये जो रिस्पांस था वाकई में इट हैज़ मेड ऑल द ऑडियंस एंड फैंस ऑफ सुंबुल तौकीर खान रियली हैप्पी टू सी द वे शी रिप्लाइड ऑन द क्वेश्चन। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि काव्या जो है अभी काफ़ी दिनों से जिस हिसाब से उसका ट्रैक चल रहा है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और TRP के भी मामले में काफ़ी जो बाकी के पहले के शोज हैं उनसे अच्छी ग्राफ मेंटेन करके रखा है। हालांकि आपका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।